गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल घुमक्कड़ पहाड़ी। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग है ये है हमारा मनाली से अटल टनल। तो गाइस मौसम बहुत सही है सुबह का वक्त, और अब चल पड़े हैं टूरिस्टों के काफिले एक के बाद एक। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारी गाड़ियाँ लाइन में लगी हुई है, बहुत से लोग चले हुए हैं क्योंकि गर्मी का जो इस बार प्रकोप है वो हर जगह में बहुत ही ज़्यादा है। इवन दिन को तो मनाली कुल्लू में बहुत गर्मी हो गई हुई है, और हाँ शाम के टाइम तो यहाँ बढ़िया ठंडा मौसम हो जाता है। तो दोस्तों जैसे हम अभी चल पड़े हैं, तो अभी जाएंगे दोस्तों हम यहाँ से अटल टनल। तो रास्ते में अब देखते हैं क्या क्या होता है और कैसे कैसे क्या क्या बनता है। और ये सामने देख सकते हैं आप टोटली होटल्स है, जो कि भरमार आजकल लगी हुई है होटलों में टूरिस्टों की। पैक मिल रहे हैं सारे होटल, कोई भी खाली नहीं मिल रहा आजकल होटल में, हर जगह भरा हुआ है सब कुछ। बहुत ही ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगा रश आजकल। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ आप लोग भी आओ, क्योंकि जो ये अभी हम फील कर रहे हैं हर चीज़ को देखना, और हवाओं का हमें टच करके जाना, और इधर उधर वादियों को जो खुद से हम निहारते हैं उसका अपना ही एक आनंद है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग आओ देखो। मैं तो आपको सिर्फ एक विज़न दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि ताकि आप लोग अपने जीवन की रोज़मर्रा की इस टेंशन भरी ज़िंदगी से थोड़ा सा रिलैक्स करने, थोड़ा सा बाहर, ज़रूरी नहीं है आप यहीं आओ, और भी बहुत अच्छी अच्छी जगह है, वेबसाइट्स है आज की डेट में, तो बहुत ऐसी जगह में आपको जाना चाहिए जो एकांत है, जहाँ ज़्यादा लोग आते जाते नहीं हैं। ऐसी जगह को आपको जा कर के थोड़ा सा घूम फिर के पता करना चाहिए, ताकि जिससे आपको पता चले हर चीज़ का। तो दोस्तों जैसे कि हम चले हुए हैं, थोड़ी वीडियो लंबी है, और हम इसमें आज अटल टनल जाएंगे, वहाँ पर जा कर के थोड़ा सा अपना फ़ोटो वगैरह ले कर के फिर वहाँ से देखते हैं आगे को क्या प्लान बनता है। तो आगे जाएंगे वहाँ से, उस हिसाब से अब देखते हैं कैसे कैसे हमारा आगे का टूर बनता है। क्योंकि मौसम साफ रहेगा तो आगे जाएंगे, अगर मौसम ख़राब होगा तो थोड़ा सा बरसातों के कारण थोड़ा डाउटफुल रहता है, क्योंकि ग्लेशियर पिघलते हैं तो कई जगह नाले बढ़ जाते हैं, जिस वजह से आपको पता ही है पहाड़ों में एक ही तो टेंशन रहती है कि नदी नाले जब अपने उफान पे होते हैं तो कई तरह की चीज़ों को इकट्ठा लेकर के ट्रेजडीज़ होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिए वीडियो हमारी, और मैं अभी आगे आप थोड़ा सा आनंद लें हमारी जो वादियाँ है इसका, और यहाँ पर बने हुए दुकानें एंड अलग अलग चीज़ होगा, आगे मैं आपको और बताऊँगा इसके बारे में थोड़ा बहुत।
गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अटल टनल। तो दोस्तों अटल टनल में अपना ही एक आनंद है क्योंकि बहुत ही हाई टेक जो ये टनल है बनाई गई है। आप जैसे कि पीछे जो हमारी ऑट की टनल आई थी, अगर उसमें आओगे तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा धुंध सी मिलेगी, बहुत सारा पॉल्यूशन मिलेगा। बट जब आप इस टनल में जाते हो आपको बिल्कुल भी किसी थोड़ी भी कहीं पर भी धुंध नहीं दिखेगी या फिर जो धुआं इकट्ठा हुआ होता है वो नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे तरह से जो बनाया गया है इसको। और इसमें अगर कोई ऐसी आपत्ति होती है तो यहाँ से बाहर निकलने के लिए इसमें अलग से एक टनल बनाई गई, जिसमें कि आप गाड़ी उड़ी छोड़ करके इसमें भागने के लिए भी इसमें इधर उधर के लिए प्रॉपर बनाया हुआ है। तो इसमें स्पीड लिमिट 40 है पहले, फिर बीच में 60 है। तो धन्यवाद, कैसा रहा ये बताएं आप।